नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अपने चैनल के माध्यम से हमारी टीम के जो रिसर्च वर्क और लोगों से मिलने के बाद जो भी जानकारी हमारे पास आती है वो अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम वीडियोज़ के थ्रू आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल ने जातियों का इतिहास पे काम करना शुरू किया, हमारी टीम ने ही जातियों के इतिहास पे काम करना शुरू किया। तो मेरे कुछ दोस्त हैं जो कमेंट करते रहते हैं कि मैं जातियों का इतिहास बताकर लोगों को जोड़ने तोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं उनको बता दूँ कि जातियों का इतिहास मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर असल इतिहास हमारे देशवासियों को पता चल जाएगा तो देश को यूनाइट करके हम एक विश्व शक्ति के रूप में खड़े हो सकते हैं। दोस्तों, यही एक कमी रही है कि हम अपने पुराने और प्राचीन असली इतिहास को भूल गए और ना जाने किन किन आक्रांताओं के द्वारा लिखे गए इतिहासों के चक्कर में पड़ने के बाद हमारी ये दुर्दशा रही और लगातार हम गुलाम होते चले गए और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उसमें कहीं ना कहीं वायसराय जैसे लोगों का हाथ रहा है और कहीं ना कहीं कर्नल टोड जैसे लोगों का भी हाथ रहा है जो 1799 में आते हैं और 1824 में चले जाते हैं। इसी 25 सालों में वो हमारे देश में पाए जाने वाले हजारों जातियों का इतिहास लिख डालते हैं और हम सब बैठकर उन्हीं जातियों पर और उसी लेखों पर बहस करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक ऐसी जाति के बारे में जिसके बारे में मैंने पहले इतिहास बताया है, लेकिन आज मैं खटिक जाति के इतिहास के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और मैं सिर्फ इतनी चर्चा करूंगा कि आखिर खटिक शब्द, ये शब्द कहीं घृणित है या फिर इस शब्द का भी एक भार है, यानी कि इस शब्द में भी कहीं ना कहीं सम्मान छुपा हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भारतवर्ष है और इस देश में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हुई वो भाषा थी संस्कृत। तो मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि संस्कृत को किसने बनाया, ब्राह्मणों ने इसको बनाया, ये ऐसे फिरा। मैं आपको बता दूँ, यदि ये दुनिया बनाई गई, ये संसार बनाया गया तो वो ईश्वर के द्वारा बनाया गया। तो क्या वो ईश्वर वेद जैसी जानकारियों को नहीं भेज सकता है? यदि वो इतनी बड़ी सृष्टि खड़ा कर सकता है तो क्या वो वेद जैसी जानकारी नीचे नहीं भेज सकता है? तो मैं उन मित्रों के लिए ये जवाब देना चाहता हूँ जो मुझसे पूछते रहते हैं कि ऋग्वेद को किसने लिखा। तो मेरे दोस्त, यदि आपको नहीं दिख रहा है कि संसार में इतने प्रकार के जीव आ गए, अगर वो नियंता या वो कारक जिसने इस पूरे सृष्टि की रचना कर दी, तो वेद जैसी जानकारी को उसको मनुष्य तक पहुंचाने में कितना समय लगेगा, ये आप अपने विवेक से जान सकते हैं। तो मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं खटिक। सबसे पहले देखेंगे कि यह शब्द कहां से आया और इस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, खटिक में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें या संधि विच्छेद करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, जिसमें एक शब्द आता है खा और दूसरा शब्द आता है टिक। खा का अर्थ होता है स्पेस, यानी कि जगह, यानी कि खाली स्थान या फिर आकाश। तो मेरे दोस्तों, ये टिक मतलब इनकी हाइट। यहीं से आप समझ सकते हैं कि जातियों का निर्धारण या तो व्यक्ति के फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि जिस तरह से वो दिखाई पड़ रहा है, उसके जाति का निर्धारण क्या आता था, या फिर उसके जो वो काम काज करता था उससे संबंधित नाम उसको दे दिया जाता था। यहीं से सिद्ध होता है कि जातियां किसी का व्यवसाय रही हैं, ना कि जबरन कोई लादी गई व्यवस्था थी। तो मित्रों, खाटिक, अगर आप खटिक जाति के लोगों को देखें तो ये काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं। खाटिक जो आसमान पे जाके टिके, यानी कि आज 2019 में जिस मानव को और जो खटिक जाति के लोग पाए जाते हैं वो काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, उनकी हाइट काफ़ी अच्छी होती है। तो उस जमाने में आप जब पीछे जाएं, जब राजा श्री राम या भगवान राम जैसे लोग 22-22 फीट के लोग इस संसार में रहे होंगे, तो वो उस जमाने में हमारे खटिक जाति के लोग किस हाइट के हुआ करते होंगे, आप यहीं से समझ सकते हैं। ये खटिक जो जाके आसमान में टिके, जिसकी लाठी आसमान में टिके, उसको खटिक कहा जाता है। तो बस आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ खटिक शब्द की ही विश्लेषण और खटिक शब्द के बारे में ही विवेचना करने की कोशिश की थी, क्योंकि किसी जाति का एक ब्रॉड इतिहास बताने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि उस शब्द को भी हम समझते चलें। तो इसी के साथ मैं आज वैद्य अभिषेक कुमार वत्स आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।